मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। खैर इनको छोड़ दीजिए, लहसुन महंगा हो जाता है तो ये लहसुन नहीं खाती हैं। लगता है आज किसी ने धोखेबाज कह दिया है, लहसुन के लिए या फिर मणिपुर के लिए पता नहीं। संसद नई बन गई है लेकिन आदतें वही पुरानी है। नई संसद बनने के बाद भी विपक्ष के माइक बंद कर दिए जाते हैं। आज तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सभापति के मुंह पर कह दिया कि आप हमारा माइक बंद करवा देते। जब मैं बोल रहा हूं, मेरा माइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का, मेरा अपमान हुआ है, मेरे रेस्पेक्ट को आपने, आप मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है। और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा सर डेमोक्रेसी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया गया, मेरा माइक बंद कर दिया गया, जो मेरे विशेषाधिकार का हनन है, ये मेरा अपमान है, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई है। सदन अगर सरकार के इशारे पर चला तो मानूंगा कि लोकतंत्र नहीं है। सभापति ने हमेशा की तरह कहा कि देयर इज नो माइक ऑफ, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर संसद चलती है, क्योंकि जो सरकार कहती है इस संसद में वही होता है, ये ठीक बात नहीं है। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है। दोस्तों, सरकार के इशारे पर क्या नहीं चलता? जब संवैधानिक संस्थाएं सरकार के इशारे पर चलती हैं, जब ईडी, सीबीआई सब सरकार के इशारे पर चलती हैं, तो संसद को तो नेता ही चलाते हैं। संसद को तो बीजेपी के चुने हुए, बीजेपी से लड़े हुए और बीजेपी के कृतज्ञ नेता ही चलाते हैं। अब वो समय चला गया जब पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी अलग अलग हुआ करती थी। अब पर्सनल ही प्रोफेशनल है, कहने के लिए नियमों के मुताबिक सरकार सदन नहीं चलाती है, ये जानते तो सब हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है। आज की ये बात राज्यसभा की है। राज्यसभा में सभापति के मुंह पर खड़गे ने ये कह दिया कि हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। लोकसभा में राहुल गांधी ने भी सभापति के मुंह पर ये कह दिया था कि आप माइक बंद कर देते हैं। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।